अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है चिकन अल्फ्रेडो पास्ता। देखें कितना डिलीशियस लग रहा है और कितना टेम्प्टिंग लग रहा है। चलें जी करते हैं इसकी मेकिंग। सबसे पहले हमने चिकन ब्रेस्ट फिले लिया है। एक चिकन पूरा ब्रेस्ट ले लें और उसको फिलेट्स में काट लें, ऐसे पतले पतले से उसके फिलेट्स काट लें। आप चाहें तो इस टाइम इसको हैमर भी कर सकते हैं, लेकिन इट्स योर ओन चॉइस। चिकन को पतले पतले पार्ट्सों की शक्ल में काट लें। अब करते हैं इसकी मैरिनेशन। मैरिनेशन के लिए हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे टिक्का मसाला। सॉसेस में हम ऐड करेंगे हॉट सॉस और सोया सॉस। इसको अच्छी तरह से आप मैरिनेट कर लें। मैरिनेट करके आप चिकन को तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दें। चलें जी अब हम करते हैं अपना पास्ता बॉयल। एक डेगची के अंदर हमने सबसे पहले नमक और कुकिंग ऑयल डाल के पानी को उबाल लिया है। अब हम इसमें अपना पास्ता ऐड करते हैं। पास्ता हमारा तकरीबन 10 से 12 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। जब पास्ता बॉयल हो जाए तो इसको आप ठंडे पानी के साथ अच्छे से धो लें ताकि इसके अंदर का जो स्टार्च है वो निकल जाए और ये चिपचिपा सा ना हो, खिला खिला रहे। ये देखिए पास्ता हमारा यहाँ बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब हम इसको ठंडे पानी से धो लेते हैं। चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था उसको स्लो मीडियम फ्लेम पे हमने कुक करना है। पैन के अंदर ऑयल डाल लें थोड़ा सा और उसको शैलो फ्राई कर लें। तकरीबन 8 से 10 मिनट के अंदर ये कुक हो जाते हैं। इसकी साइड देखकर आप चेंज करते रहें, ओवर कुक नहीं करना। ब्रेस्ट फिले हैं नहीं तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। चिकन को अच्छे से आप कुक कर लें और इसको अच्छा सा कलर दे दें, लाइट ब्राउन सा। चिकन हमारा यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको डिश आउट करके एक साइड पे रख लें। अब हम बनाते हैं अल्फ्रेडो सॉस। एक पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालें, ऑयल की बजाय आप बटर यूज़ कर सकती हैं। 3 से 4 गार्लिक के क्लॉव्स को आपने बारीक चॉप करके इसमें ऐड करना है। हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना, इसको चॉप करके ऐड करना है। इसको 1 से 2 मिनट सौते करें। सौते करने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 क्रीम का जो डब्बा होता है, यानी आप कप का अगर हिसाब लगाएं तो तकरीबन 1.5 कप क्रीम हमने इसमें ऐड करनी है। 1.5 कप क्रीम हमने इसमें ऐड कर ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। दूध हमारा जाएगा तकरीबन 4 कप के करीब, इसमें हम दूध डालेंगे। दूध ऐड करने के साथ साथ आप इसमें चम्मच हिलाते जाएं ताकि लम्स ना बने और क्रीम बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए बीच में। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद वीडियोस अच्छी आपके लिए लेकर आऊं। अब इसमें ऐड करते हैं स्पाइसेस। 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1.5 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ऑरिगेनो
और हम इसमें ऐड कर रहे हैं चिकन क्यूब, एक चिकन क्यूब हम इसमें ऐड करेंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे चेडर चीज़ ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि चिकन क्यूब और चेडर चीज़ इसमें अच्छी तरह मेल्ट हो जाएं। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर लें। अब सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। हमने जो बॉईल किया था पास्ता अपना फ्यूटोचिनी, वो इसमें हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। अगर आपको इसमें सॉसी पसंद है तो आप थोड़ा सा दूध और ऐड करें। ये देखें हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी है। अब जो हमने चिकन रेडी किया था उसको कट करके इसके ऊपर ऐसे डेकोरेट करके रख लें। इंजॉय करें पास्ता। ओके जी, इंजॉय, बाय बाय।